लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। रेलवे महकमे की इंतजार की घड़ियां तब खत्म हुई जब शुक्रवार दोपहर 1 बजे निर्माणाधीन बुरहानपुर आदर्श रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए रेलवे महाप्रबंधक संजीव मित्तल विशेष ट्रेन से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर उतरे। जीएम संजीव मित्तल सबसे पहले वीआईपी लॉन्ज का उद्घाटन करने के लिए गए। रिबन काटने के लिए हाथ में कैची ली, वो रिबन काटते इससे पहले ही रिबन नीचे गिर गई। जीएम ने कैची रखी और अंदर घुस गए। यहां पर जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से मुलाकात की। लगभग 20 मिनट यहां बैठने के बाद दूसरे कक्षों का उद्घाटन करने के लिए गए, लेकिन इनकी भी रिबन नहीं काट सके। कुल मिलाकर कक्षों का उद्घाटन कार्यक्रम औपचारिक रहा। कक्षों का निरीक्षण करने के लिए बाद में जीएम फुटओवर ब्रिज चढ़कर सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे। यहां सीधे कुंडी भंडारे की कुंडी का सौंदर्यकरण देखने के लिए गए। यहां उन्होंने कुंडी में झांककर बहता पानी देखा। इसके बाद उन्होंने कुंडी भंडारे के इतिहास को जाना, इसकी सराहना भी की। तो इसके बाद जीएम को एलईडी पर बुरहानपुर की ऐतिहासिक धरोहरें दिखाई गई। इसमें असीरगढ़ किला, दरगाह ए हकीमी, काला ताज महल, शाही किला सहित अन्य धरोहरों को निहारा। इसके बाद जीएम वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए और कक्ष में बैठकर अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रेलवे को मिले संसाधनों की प्रदर्शनी देखी। कर्मचारियों ने उन्हें रेल कटिंग मशीन का डेमो दिखाया। इसके अलावा अन्य संसाधनों की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रेलवे जागरूकता विषय पर नाटक को देखा। कलाकारों ने हास्य नाटक की प्रस्तुति देकर जागरूकता के संदेश दिए। जीएम ने तालियां बजाकर कलाकारों की प्रशंसा की। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भुसावल की ओर खड़ी अपनी विशेष ट्रेन के लिए बढ़ गए। कर्मचारी उन्हें ट्रॉली में बिठाकर विशेष ट्रेन तक ले गए। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।